तो गाइस स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं रसलमेनिया 37 की नाइट वन के बारे में। और रसलमेनिया डब्ल्यूडब्ल्यूई का साल का सबसे बड़ा इवेंट, सबसे बड़ा पेपर भी यहां पर आ चुका है। और लास्ट ईयर तो हमने देखा था जैसे तैसे ये परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर हो गया था, लेकिन इस बार काफ़ी ना मज़ा आने वाला है। स्टेडियम के अंदर वापस से रसलमेनिया होने वाला है, ऊपर से यहां पर रियल फैंस आने वाले हैं, तो काफ़ी ना मज़ा आने वाला है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रसलमेनिया 37 की नाइट वन के बारे में, उसके सारे मैचेस के बारे में, रिजल्ट के बारे में। यहां पर ये वीडियो होने वाली है रसलमेनिया 37 की नाइट वन की रिजल्ट प्रेडिक्शन वीडियो, सारे आपको मैचेस बताने वाला हूं। मेरी क्या प्रेडिक्शन होने वाली है वो मैं आपको बताने वाला हूं, इंडिया की टाइमिंग वगैरह सारी चीज़ें होने वाली हैं इस वीडियो के अंदर। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और लाइक जरूर कर देना। तो गाइस फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैच की बात करें तो गाइस यहाँ पर मैच हमें देखने मिलने वाला है, वो एक सिंगल्स मैच होने वाला है, जो कि होने वाला है सेथ रॉलिंग वर्सेस सिजारो के बीच में। तो अभी इन दोनों सुपरस्टार की हमने फ्यूड मतलब कुछ ही टाइम पहले देखी थी, स्टार्ट हुई थी जहाँ पर सेथ रॉलिंग का रिटर्न हुआ था इतने टाइम बाद, और उसके बाद हमने देखा उनकी फ्यूड यहाँ पर सिजारो के साथ स्टार्ट हो गई। और डब्ल्यूडब्ल्यूई का भी हम देख रहे थे सिजारो को कहीं ना कहीं उन्होंने एक फेस सुपरस्टार बना दिया था, उसके बाद उनकी बुकिंग अच्छी कर थी, हर हफ्ते वो मैचेस जीत रहे थे, डैनियल ब्रायन को वो हरा रहे थे। तो सिजारो के ऊपर काफी टाइम से डब्ल्यूडब्ल्यूई हम देख रहे हैं अच्छा यहां पर ध्यान दे रही है, और सेथ रॉलिंग के साथ उनको फ्यूड में डाला, तो इनके बीच की जो फ्यूड गई है, स्टोरी लाइन गई है, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने स्मैकडाउन के एपिसोड में जो भी इनके कुछ मतलब बीच में कुछ दिखाया, काफी कह सकते हैं अच्छा डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बिल्डअप कर दिया इनके मैच का। तो मैच तो मुझे लग रहा है यहां पर ये दोनों सुपरस्टार काफी अच्छा देने वाले हैं, दोनों सुपरस्टार एक ही टाइप के हैं। और पहले भी हमने इनके मैचेस देखे हैं जहां पर टैग टीम मैचेस देखे हैं, जहां पर द बार हुआ करती थी, यहां पर सेथ रॉलिंग डीन एम्ब्रोस के साथ हुआ करते थे, तो मैचेस हमने देखे हैं। तो मैच तो मुझे लग रहा है ये वाला काफी बढ़िया जाने वाला है। रिजल्ट की बात करूं तो यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है शायद इस मैच को यहां पर सिजारो जीत सकते हैं, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई अभी उनको पुश कर रही है। और सेथ रॉलिंग की हम बात करें तो वो रसलमेनिया के अंदर या फिर अपने करियर के अंदर काफी कुछ कर चुके हैं, उनको अपने रसलमेनिया के अंदर काफी सारे बड़े बड़े मूवमेंट्स मिल चुके हैं, लेकिन सिजारो को यहां पर यह पहला सिंगल्स मैच होने वाला है रसलमेनिया के अंदर। तो मुझे लग रहा है इस मैच को शायद उनको जीतना चाहिए और जीतने की जरूरत है, तो इस वजह से यहां पर मैं पिक करने वाला हूं सिजारो को कि यहां पर वो इस मैच को जीत जाएंगे। और मैच मैं कह रहा हूं अगेन शायद ये एक अच्छा मैच यहां पर हमें देखने को मिलेगा। अगला मैच होने वाला है वो यहां पर एक टैग टीम मैच होने वाला है, जो कि होने वाला है मिज एंड मॉर्सन वैसे बैड बनी एंड डेमिन प्रिस के बीच में। अब इन दोनों टीम्स के बीच में हम फ्यूड काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, रॉयल रंबल के टाइम से देख रहे हैं, जब से जो डेमिन प्रिस हैं उन्होंने यहां पर अपना डेब्यू करा था मेन रोस्टर के ऊपर, और बैड बनी को भी हम तभी से देख रहे हैं। अब इस मैच को लेकर भी कह सकते हैं काफ़ी सारी दिक्कतें आई, सबसे पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इनका एक सिंगल्स मैच अनाउंस कर दिया, और वापस से जैसे कि हमें लग रहा था एक टैग टीम मैच बनेगा, तो वापस यहां पर एक टैग टीम मैच बन चुका है। अब इस मैच के क्या रिजल्ट की मैं बात करूं मुझे यहां पर कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि यहां पर पहली बात तो जो बैड बनी है वो यहां पर कोई सुपरस्टार नहीं है, कोई यहां पर रेसलर नहीं है, वो एक सिंगर है, रैपर है, आप इनको यहां पर कुछ भी बोल सकते हो। तो स्टार्टिंग से डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्लान थे कि इस मैच को टैग टीम मैच ही कराया जाए, क्योंकि सिंगल्स मैच होता तो बैड बनी का मुझे नहीं पता वो यहाँ पर करते क्या। तो रिजल्ट की यहाँ पर मैं सिंपल से बात करूँगा, इनकी फ्यूड में ज़्यादा वैसे भी कुछ है नहीं है। रिजल्ट की बात करूँ तो यहाँ पर मैं पिक करूँगा डेमिन प्रिस्ट और बैड बनी को हमारे। अब बैड बनी की वजह से यहाँ पर मैं पिक नहीं कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है इस मैच को पूरा अकेले संभालने वाले हैं वो डेमिन प्रिस्ट ही संभालने वाले हैं, और डेमिन प्रिस्ट की कह सकते हैं पहला रसलमेनिया का मैच होने वाला है, तो उनको ज़रूरत भी है इस मैच को जीतने की। मेन रोस्टर के ऊपर वो यहाँ पर आए हैं, तो उनको अभी कह सकते हैं एक बड़ी विक्ट्री की यहाँ पर ज़रूरत होती है, इस वजह से मुझे लग रहा है शायद यहाँ पर इस मैच को ये दोनों यहाँ पर जीत जाएंगे। अगला मैच होने वाला है वो यहाँ पर होने वाला है एक नंबर वन कंटेंडर का टैग टीम टर्मोइल मैच, जो कि होने वाला है लाना एंड नियोमी वर्सेस टमीना एंड नटालिया वर्सेस लिम मॉर्गन एंड रूबी राइट वर्सेस मैंडी रोज एंड डेना ब्रुक के बीच में। तो यहाँ पर ये वुमेंस टैग टीम चैंपियनशिप के नंबर वन कंटेंडर का मैच होने वाला है। यहाँ पर जो भी मतलब इस मैच से जो भी विनर निकलेगा वो नाइट टू के अंदर फेस करेगा हमारे चैंपियंस को, यानी कि नाया जैक्स एंड सेना बिजलर को। अब वुमेंस टैग टीम डिवीजन में भी हम देख रहे हैं काफ़ी टाइम से मतलब यही सारी टीम्स आपस में भिड़ी जा रही हैं, और डब्ल्यूडब्ल्यूई को यहाँ पर कह सकते हैं इस मैच को भी बुक करना था, टैग टीम टाइटल्स के मैच को डालना था, इस वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने यहाँ पर नाइट वन के अंदर पहले नंबर वन कंटेंडर का मैच करा दिया, और उसके बाद तो उनको टाइटल की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब इस मैच में भी मेरा ज़्यादा कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है, और देखना होगा डब्ल्यूडब्ल्यूई इस बार यहाँ पर किसको मौका दे दिए। काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं काफ़ी सारी ये जो टैग टीम्स हैं आपस में भिड़ रही हैं, और मुझे यहाँ पर क्या लग रहा है इस मैच को जीत सकते हैं, मुझे यहाँ पर लग रहा है शायद राइट स्क्वाड इस मैच को जीत सकती है। काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं स्मैकडाउन के ऊपर वो काफ़ी कुछ कोशिश कर रहे हैं करने की, लेकिन अभी तक उनको टाइटल्स की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, जो कि मुझे लग रहा है शायद इस मैच को यहाँ पर वो जीत सकते हैं। और दूसरी जो टैग टीम थोड़ी सी मुझे लग रही है वो शायद यहाँ पर मैंडी रोज और डेना ब्रुक की भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जो मेरी पिक है वो यहाँ पर राइट स्क्वाड की साइड ही होने वाली है, जो कि यहाँ पर वो इस मैच को जीत जाएंगे।
और बाद देखते हैं पाते हैं या फिर नहीं, लेकिन इस मैच के अंदर तो मेरी पिक यहाँ पर राइट स्क्वाड की साइड होने वाली है। अगले मैच के बारे में बात करें जो कि गाइस यहाँ पर मैच होने वाला है वो होने वाला है ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस शेन मैकमैन के बीच में, जो कि होने वाला है एक स्टील केज मैच। अब इनके फ्यूड का मुझे लगता नहीं है बिल्डअप यहाँ पर किसी को पसंद आया या फिर इनके फ्यूड का कोई सेंस बनना है ज़बरदस्ती, मतलब ऐसा लग रहा था कि WWE को ब्रॉन स्ट्रोमन को रेसलमेनिया के अंदर जैसे तैसे बुक करना था, तो शेन मैकमैन को यहाँ पर वो लेके आ गए और यहाँ पर इनका मैच कैसे भी करके WWE ने अनाउंस कर दिया, क्योंकि इनके फ्यूड में मतलब कुछ लॉजिक ही नहीं था, कुछ भी नहीं था, बस हमने देखा यहाँ पर शेन मैकमैन आके स्टूपिड बोल रहे हैं ब्रॉन स्ट्रोमन को। मतलब ब्रॉन स्ट्रोमन की यहाँ पर डिमांड थी कि मतलब स्टार्टिंग से हम देख रहे थे कि उनको एलिमिनेशन चेंबर मैच के अंदर क्यों नहीं डाला, हमने देखा था उस टाइम पे। तो इनके फ्यूड का जो बिल्डअप है मतलब ज़्यादा कुछ उतना मज़ा आया तो नहीं है, और पता चल रहा है कि WWE हर साल ही ब्रॉन स्ट्रोमन की जो बुकिंग है रेसलमेनिया के अंदर मतलब क्या कर देती है हर साल ही, हम देखते हैं। लास्ट ईयर की बात करूंगा नहीं क्योंकि लास्ट ईयर भी कुछ नहीं था, रोमन रीन्स चले गए थे इस वजह से उनको उठा के डाल दिया था, लेकिन लास्ट ईयर भी ब्रॉन स्ट्रोमन का कुछ था नहीं और इस बार भी कुछ मतलब यहाँ पर सीन नहीं है। अब स्टील केज मैच यहाँ पर होने वाला है और आपको ध्यान होगा जब इनका मैच अनाउंस हुआ था मैंने आपको बोला था इनके मैच के अंदर कोई स्टिपुलेशन ऐड हो सकती है, और मैंने आपको बताया था कि मैं कौन सी स्टिपुलेशन यहाँ पर चाहता हूँ। मैंने आपसे बोला था हेल इन अ सेल यहाँ पर स्टिपुलेशन WWE को डालनी चाहिए, लेकिन WWE यहाँ पर हेल इन अ सेल का बच्चा यहाँ पर लेके आ गई है, मतलब स्टील केज मैच यहाँ पर करा रही है। अब मतलब हेल इन अ सेल होता तो कितना ज़्यादा मज़ा आता, मतलब सेल के ऊपर से अगर शेन मैकमैन यहाँ पर जंप करते तो वो मूवमेंट देखने में मज़ा आता, लेकिन स्टील केज मैच तो हम रॉ स्मैकडाउन के अंदर ही देख लेते हैं और WWE इस मैच को यहाँ पर करा रही है, तो अब ज़्यादा मैं शिकायत कर भी नहीं सकता। क्या यहाँ पर मैं शिकायत करूँ, क्या पता यहाँ पर शेन मैकमैन स्टील केज के ऊपर से कुछ अच्छा मूवमेंट दे दें तो वो हम देखेंगे, लेकिन रिजल्ट की बात करूँ तो यहाँ पर तो मैं बिल्कुल ब्रॉन स्ट्रोमन को ही पिक करूँगा, बिल्कुल उनको जीतने के लिए यहाँ पर मैं पिक करूँगा इस फ्यूड के अंदर। वैसे भी हम देख रहे हैं जो शेन मैकमैन है वो एक हील सुपरस्टार हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमन जीतेंगे, ज़्यादा कुछ इनके मैच के अंदर लॉजिक नहीं है, बस देखना होगा शेन मैकमैन इस बार रेसलमेनिया के अंदर क्या मतलब हमें एक अच्छा मूवमेंट देते हैं। अगले मैच के बारे में बात करें जो कि गाइस यहाँ पर होने वाला है रॉ टैग टीम चैंपियनशिप के लिए द न्यू डे वर्सेस एज स्टाइल्स एंड ओमोस के बीच में। अब यहाँ पर भी इनके मैच की ज़्यादा कुछ मतलब लंबी स्टोरी नहीं है, लंबी कोई फ्यूड नहीं है, एकदम से हमने देखा जो एक अच्छा ग्रुप यहाँ पर चल रहा था हर्ट बिजनेस, यहाँ पर WWE ने उसको तोड़ दिया और न्यू डे को यहाँ पर चैंपियन बना दिया, और तभी हमने देखा एज स्टाइल्स एंड ओमोस ने यहाँ पर उनको चैलेंज करा, और इनका फ्यूड का बिल्डअप भी मुझे लगता नहीं है WWE ने ज़्यादा कुछ अच्छा करा है, और एज स्टाइल का भी हमें स्टार्टिंग से हम देख ही रहे थे रॉयल रंबल के टाइम से एलिमिनेशन चेंबर अभी तक हम देख रहे थे, WWE शायद उनके लिए कुछ सोच ही नहीं पा रही थी कि रेसलमेनिया के अंदर इस बार एज स्टाइल को कहाँ डालें, तो इस वजह से यहाँ पर उन्होंने इनको टैग टीम मैच के अंदर डाल दिया है। लेकिन यहाँ पर मैं कोई बुरा भी नहीं बोलूँगा कि टैग टीम मैच के अंदर डाला गया है, क्योंकि हमें पता है एज स्टाइल के WWE के करियर में बस यही एक चीज़ रह गई जो कि उन्होंने अभी तक टैग टीम टाइटल्स नहीं जीते हैं, तो अगर यहाँ पर वो जीते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर वो ग्रैंड स्लैम चैंपियन बन जाएंगे, जो कि मुझे लग रहा है इस मैच को बिल्कुल यहाँ पर एज स्टाइल्स एंड ओमोस ही जीतने वाले हैं, और बिल्कुल यहाँ पर उनको जीतना भी चाहिए। ओमोस का यहाँ पर रेसलमेनिया के अंदर डेब्यू मैच होने वाला है, और अभी हम देख ही रहे हैं रॉ के एपिसोड में किस तरीके से न्यू डे को वो उठा उठा के यहाँ पर फेंक रहे हैं, बड़े बड़े स्लैम दे रहे हैं, तो ओमोस मुझे लग रहा है अकेले यहाँ पर न्यू डे पे भारी हो जाएंगे, एज स्टाइल को ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बिल्कुल इस मैच का जो रिजल्ट है वो मैं चेंज होता हुआ देखना चाहूँगा, यानी कि टाइटल चेंज होता हुआ देखना चाहूँगा कि इस मैच को एज स्टाइल्स एंड ओमोस ही जीते हैं, और बिल्कुल इस मैच के अंदर जो मेरी प्रिडिक्शन है वो भी यहाँ पर एज स्टाइल्स एंड ओमोस की साइड ही होने वाली है। अगले मैच के बारे में बात करें जो कि अगर यहाँ पर होने वाला है स्मैकडाउन वुमेन चैंपियनशिप के लिए साशा बैंक्स वर्सेस बियंका बेलर के बीच में। अब बियंका बेलर का हमने देखा इस साल का रॉयल रंबल उन्होंने जीता और साशा बैंक्स को यहाँ पर उन्होंने चैलेंज करा, और जब से ये मैच अनाउंस हुआ था ना इस मैच को लेके मेरी काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी, मेरी क्या मुझे लग रहा है काफ़ी सारे लोगों की इस मैच से काफ़ी उम्मीदें थी, इस लेवल की उम्मीदें थी कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पर सोच रहे थे कि शायद ये वाला मैच इस साल के रेसलमेनिया के नाइट वन का मेन इवेंट भी कराएं, लेकिन यहाँ पर हमने देखा WWE ने इनकी जो फ्यूड का बिल्डअप है वो मतलब बिल्कुल भी अच्छे से करा नहीं। WWE इस फ्यूड के अंदर काफ़ी कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें कर सकती थी, इन दोनों सुपरस्टार के बीच में काफ़ी कुछ दिखा सकती थी, लेकिन WWE बस वही दिखाती रही, नाया जैक सेना बेजलर के साथ इनको लड़ाती रही, मतलब पार्टनर दोस्ती बना के चलाती रही, टैग टीम टाइटल्स के लिए लड़ते रहे, तो इनके फ्यूड का यहाँ पर बिल्कुल WWE ने कचरा कर दिया। तो मैच को लेके जितनी पहले आई थी उतनी तो नहीं है, लेकिन फिर भी अब अगर ये दोनों सुपरस्टार मैच एक अच्छा दे रहे हैं तो कह सकते हैं काफ़ी उसी को देख के अच्छा लगा कि WWE ने चलो फ्यूड अच्छी नहीं करी लेकिन मैच तो एंड में हमें अच्छा देखने मिला। और प्रिडिक्शन की बात करूं तो यहाँ पर मैं बिल्कुल देखना चाहूँगा कि इस मैच को बियंका बेलर जीत जाएं। साशा बैंक्स के लिए मेरी कोई हेट नहीं है, लेकिन
यहाँ पर WWE को, जैसे कि मैंने बोला था कि WWE को ज़रूरत है न्यू सुपरस्टार को बनाने की, बियंका बेलर अभी एक न्यू सुपरस्टार हैं और काफ़ी सही चल रही हैं, तो WWE को यहाँ पर ज़रूरत है नए नए सुपरस्टार को बनाने की। सासा बैंक्स तो काफ़ी कुछ कर चुकी हैं WWE के अंदर, लेकिन मुझे लग रहा है WWE को इस बार बियंका बेलर को मौका देना चाहिए और यहाँ पर उनको चैंपियन बनना चाहिए। अब काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर सासा बैंक्स हारेंगी तो उनको उनका रसलमीना का मूवमेंट नहीं मिलेगा, जो कि अभी तक उनको मिला नहीं है, लेकिन सासा बैंक्स इस बार की रसलमीना के अंदर चैंपियन बन के जा रही है, यही कह सकते हैं काफ़ी एक बड़ी बात है। और बाकी ये तो मेरी प्रिडिक्शन होने वाली है, पता नहीं है टाइटल चेंज होगा भी यहाँ पे नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर मेरी पिक होने वाली है बियंका बेलर की साइड की, यहाँ पर इस मैच को जीत के वो बन जाएंगी आपकी न्यू स्मैकडाउन वुमेन चैंपियन। अगले मैच की और मैं बात करें चुकी गाइस, यहाँ पर होने वाला है WWE चैंपियनशिप के लिए ड्रू मैकइंटायर से बॉबी लैशली के बीच में। अब यहाँ पर हम स्टार्टिंग से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस मैच के अंदर शायद एक चेंज हमें देखने को मिलेगा, यहाँ पर शायद इनके मैच के अंदर ब्रॉक लेसनर ऐड हो जाएंगे या फिर ड्रू मैकइंटायर का, हमने सोचा नहीं था, हमें लग रहा था शायद यहाँ पर बॉबी लैशली वैसे ब्रॉक लेसनर का मैच हमें इस साल की रसलमीनिया के अंदर देखने को मिलेगा। और काफ़ी मौक़ों पर हमने काफ़ी कह सकते हैं एक्सपेक्ट करा, काफ़ी उम्मीदें लगाई और काफ़ी टाइम ऐसा लगा भी कि यहाँ पर ब्रॉक लेसनर रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन एंड तक यहाँ पर कुछ भी हुआ नहीं, ब्रॉक लेसनर ने अपनी वापसी करी नहीं और यहाँ पर इनका मैच यहाँ पर रसलमीनिया के अंदर देखने को मिलने वाला है WWE चैंपियनशिप के लिए। अब यहां पर विनर की बात करूं तो सच में इस मैच को जो प्रेडिक्ट कर पाना कह सकते हैं काफी मुश्किल है, मतलब इतना भी मुश्किल नहीं, लेकिन फिर भी इस मैच को प्रेडिक्ट कर पाना काफ़ी ना मुश्किल है, क्योंकि दोनों ही तरफ यहाँ पर रिजल्ट निकल के आ रहा है। क्योंकि ड्रू मैकइंटायर की बात करें तो उनका हम स्टार्टिंग से देख रहे हैं, WWE ने लास्ट ईयर भी उनको चैंपियन बनाया था और ड्रू मैकइंटायर का WWE ऐसा चाह रही थी कि उनको फैंस के सामने यहाँ पर चैंपियन बना जाए, जो कि लास्ट ईयर तो यहाँ पर वो बन नहीं पाए, लेकिन इस बार रियल फैंस आने वाले हैं, तो क्या पता WWE यहाँ पर ड्रू मैकइंटायर को रियल फैंस के सामने चैंपियन बना दे। लेकिन बॉबी लैशली की भी बात करें तो उनको भी यार 16 साल बाद यहाँ पर WWE चैंपियन बनने का मौका मिला है, इतने टाइम उन्होंने वेट करा तब जाके यहाँ पर वो चैंपियन बने हैं। MVP के साथ अभी कह सकते हैं काफ़ी ना बढ़िया चल रहे हैं और बॉबी लेस्ली जब तक चैंपियन रहेंगे तब तक कह सकते हैं उम्मीद है कि ब्रॉक लेसनर का मैच उनके साथ होगा, लेकिन बॉबी लेस्ली के हाथ से टाइटल ही चला जाएगा उसके बाद कह सकते हैं फिर उम्मीद यहाँ पर बनती नहीं है। तो दोनों तरफ यहाँ पर रिजल्ट यहाँ पर निकल के आ रहा है कि कोई भी इस मैच को जीत सकता है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर पिक करूँ किसी एक को तो यहाँ पर मैं बॉबी लेस्ली को ही पिक करूँगा। ड्रू मैकइंटायर के लिए मुझे कोई हेट नहीं है, लेकिन ड्रू मैकइंटायर को लास्ट ईयर हमने देख लिया वो कितने अच्छे WWE चैंपियन बन के रहे हैं, तो अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पर नई चीज़ों की ज़रूरत है। ड्रू मैकइंटायर वापस यहाँ पर चैंपियन बनेंगे तो अब रॉ के ऊपर वो क्या करेंगे, लास्ट ईयर हमने देख लिया चैंपियन बन गए, अच्छे अच्छे मैचेज उन्होंने दे लिए, ड्रीम मैचेस दे लिए, सारे सुपरस्टार को रॉ के ऊपर उन्होंने हरा दिया, तो अब यहाँ पर वो करेंगे क्या। इस वजह से यहाँ पर मैं देखना चाहूँगा कि बॉबी लेस्ली इस मैच को जीते, अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करें, तो इस वजह से इस मैच के अंदर मेरी पिक होने वाली है बॉबी लेस्ली की साइड की, यहाँ पर इस मैच को वो जीतें जिससे शायद हमें आगे चल के एक ड्रीम मैच भी देखने को मिल जाए। तो गाइस ये थी यहाँ पर रसलमीनिया 37 की नाइट वन की सारी मेरी प्रिडिक्शन, मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ हमें देखने को मिल सकता है। बाकी कमेंट करके आप लोग मुझे अपनी प्रिडिक्शन बताना, बताना कि इस मैच के लिए आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो और क्या लग रहा है आपको कौन सा मैच हमें मेन इवेंट के अंदर देखने को मिलेगा, साथ ही इंडिया की टाइमिंग वगैरह भी आप यहाँ पर देख सकते हो। तो जो भी है इसके बारे में नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, साथ ही गाइस इस वीडियो को लाइक की भी ना कहीं आना, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, साथ ही शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो भी चैनल पर नया पहली बार वीडियो देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही उस बेल आइकन को दबा लेना जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो गाइस फिर तब तक के लिए ध्यान रखें अपना अपने परिवार का, तब तक के लिए मैं कहता हूँ गुड बाय।